Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways. मैं आया हूँ back CWL day 4 में. जैसा कि मैंने prediction किया था कि वो third clan जो था हमारा inactive था, तो हम वो war जीत सकते हैं. तो आप देख सकते हैं third war पे green tick है, तो हम वो war जीत चुके हैं. Rock on! So team में से हम दो war जीत चुके हैं, जो इस level पे हमारे लिए बहुत 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 ही wonderful है, क्योंकि हमारे सामने बहुत ही टफ क्लैंस है और हम उनके सामने जीत रहे हैं. सिर्फ एक बार हारे हम अभी तक, दो जीत चुके हैं. और ये फोर्थ देखिए बॉसिस क्लैन है लेवल 8 का. मेरे हिसाब से ये एक एक्टिव क्लैन है, तो हम इसके सामने टफ फाइट रख सकते हैं, लेकिन शायद ही हम जीत पाए. तो इसमें मैं करने वाला हूँ टाउन हॉल 11 पर अटैक. देख सकते हैं क्लेम मैं यूज़ करने वाला हूँ हॉक ब्लिज़र्ड आर्मी, होवीज ब्लिज़र्ड, जिसका वीडियो मैंने डाला है. तो आप वहाँ पर जा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हो वीडियो. चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लाइव अटैक की तरफ. रिस्क अटैक कर रहा हूँ मैं वापस एक हॉक अटैक. देख सकते हैं आप इन्फर्नो एक लेवल 4 का, एक लेवल 3 का है. ईगल आर्टिलरी भी है इसके पास, क्योंकि टाउन 11 है. आर्चर क्वीन 25, वार्डन लेवल 7 और बारबेरियन किंग भी लेवल 25. तो ये हमारे एक रिस्क अटैक. दो बार जीत चुके हैं, एक नहीं जीत पाए. ये जीतने की ट्राई कर रहेंगे पर नहीं लगता कि जीत पाएंगे, लेकिन पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं हम. फोर्थ पोजीशन पर ही हम अभी भी. चलिए लेट्स गो फॉर द लाइव अटैक. Let's attack guys. Air sweeper का पोजीशन देख लीजिए. Let's go for the attack. Blimp डालेंगे पहले. Archer Queen और Barbarian King से funnel करेंगे. Let's pray attack हो जाए 3-star. यहाँ पर मेरा clone spell max नहीं था, तो उसे max करने के लिए मैंने use किया power potion. CWL में risk नहीं ले सकते, इसीलिए लेट्स गो फॉर द अटैक. देखिए ब्लिंक डाल दिया मैंने, एयर स्वीपर कुछ नहीं कर पाएगा. अब ब्लिंक जाएगा सीधा सेंटर की तरफ. जैसे ही ब्लिंक खुले उसके पहले रेज, इनविजिबल एंड क्लोन. एक इन्फर्नो डाउन, टाउन हॉल दोनों इन्फर्नोस डाउन. जो सेंटर देख सकते हैं आप फुल्ली डिस्ट्रॉयड. और यहाँ पर मैंने डाल दिया बारबेरियन किंग, जो सीसी में से इलेक्ट्रो को लियर आउट कर चुका है. और उसके पीछे विजर्ड जो है वो इलेक्ट्रो के पीछे पड़ चुके हैं. यहाँ पर हमारी आर्चर क्वीन वर्सेस आर्चर क्वीन, आर्चर क्वीन डाउन हो चुके ओपोनेंट की. यहाँ पर इलेक्ट्रो बहुत नुकसान दे जाएगा, क्योंकि आर्चर क्वीन हो चुकी है हमारे डाउन. तो सारे विजर्ड यूज करके हमें इलेक्ट्रो को कैसे भी डाउन करना, नहीं तो हमारा अटैक फेल हो जाएगा. चलिए चलिए डाउन करो इलेक्ट्रो को विजार्ड्स. ये विजार्ड्स और बेबी ड्रैगन साथ में मिलके इलेक्ट्रो हो चुका है डाउन. तो टाइम बचा है हमारा 2 मिनट. सारे हॉक्स डाल देंगे साथ में. लेट्स सी ये अटैक 3-star हो पाता नहीं. TH11 बेस पर है ये अटैक, तो उम्मीद तो कम ही है कि 3-star हो, लेकिन 2-star तो करना ही है प्लान के खातिर. 2-star हो चुका है गाइस, 53% डैमेज. हॉक्स पर हील डालते रहिए. यहाँ पर दो ही हॉक्स बचे, इसलिए मैं हील नहीं यूज कर रहा हूँ. यहाँ पर जो मैक्सिमम हॉक्स है वहीं पर हील डालना है आपको. कम ऑन, क्या ये अटैक 3-star हो पाएगा? बॉम्ब टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय. अब बचे हैं 3 आर्चर टावर और एक डबल कैनन. टाइम मुझे लग रहा है टाइम फेल हो जाएगा गाइस. क्योंकि हमें विजर्ड यूज करने पर इलेक्ट्रो को डाउन करने के लिए, इसीलिए
तो गाइस डिफेंसिस तो सारे डाउन हो जाएंगे लेकिन हमारा अटैक हो जाएगा टाइम पे। तो गाइस देख सकते हैं आप 78% डैमेज, गाइस आप देख सकते हैं 78% डैमेज 2-स्टार लिया है मैंने। चलिए अब ये क्लैन तो एक एक्टिव क्लैन है, फिर भी हम प्रे करते हैं कि हम ये वॉर जीत जाए। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे 5th बैटल डे में एक अलग स्ट्रेटजी अलग अटैक के साथ 3-स्टार करने की कोशिश में अपने क्लैन को जिताने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।